छटंकी, छटंकी का मतलब होता है फिसलन। आम के बीज को अगर आप हाथ पे पकड़ेंगे तो कभी आती नहीं है, वो फिसल जाती है। सो छटंकी का मतलब होता है बहुत ही एक्टिव, बहुत ही चंचल। और छोटकी इसलिए नाम है कि ये तीन बहनों में सबसे छोटी है, इसलिए छोटकी है। और एक फीमेल चार्ली चैपलिन है ये, तो इसलिए छटंकी है। तो छोटकी छटंकी एक नाम है और एक एडजेक्टिव है, दोनों नाम नाउन और एडजेक्टिव मिल करके इनका नाम बना हुआ है। तो छोटकी छटंकी एक ही नाम है, इनको ही कहा जाता है छोटकी छटंकी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ शब्द ऐसे मदमस्त, अगर इसको एक साथ नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो छोटकी छटंकी हम एक साथ ही बोलेंगे तो ये मतलब समझ में आएगा। सर, ये सीरियल बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसके पीछे मकसद ये है कि यूपी और बिहार में, खास करके मतलब पूरे हिंदुस्तान में, उन बापों से बड़ी गुजारिश है कि इस सीरियल को देखने के बाद सुधर जाए, जिनको ऐसा लगता है कि 36 गुण के बराबर एक ही गुण होता है, पैसा कमाना। उनको किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता है, कि उनको ये देखना होता है कि लड़के के बाप के पास कितना पैसा है, लड़के की सैलरी कितनी है। ऐब चाहे कितने भी हो, वो सब जो है वो पैसों में, उसको उस कारपेट के नीचे सारे ऐप डाल देते हैं और पैसा सामने आ जाता है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मिसमैच शादियां जो है ना, इन दिनों बहुत हो रही है। लड़की स्ट्रीट स्मार्ट है, लायक है, चार क्लास अगर कम पढ़ी हुई है, उसकी शादी हो जाएगी इंजीनियर से, डॉक्टर से, ऐसे इंजीनियर डॉक्टर से जिनका मकसद भी है पैसा कमाना, जिनका काम नहीं है सेवा करना, मतलब ही है पैसा कमाना, और पूरी कीमत भी वसूल करते हैं। और वो बाप अक्सर उस तरह के दूल्हे को चुनते हैं जहाँ पे इन बेटियों की शादी कर दी जाती है। और ज़िंदगी भर अगर कोई कमी अगर बाप ने छोड़ रखी है तो हमेशा उसको ह्यूमिलेट भी होना पड़ता है। मतलब इसके साथ एक मैसेज भी जा रहा है, मैसेज भी जा रहा है कि आप लायक वर्ड ढूंढिए, आप पैसा मत ढूंढिए। फीमेल चार्ली चैपलिन चाहिए उनको, तो वो वर्ड ही बहुत काफ़ी था मेरे लिए होमवर्क के लिए। बाकी मैं झारखंड रांची से हूँ तो लैंग्वेज में पकड़ मेरी पहले से थी, तो शायद थोड़ी इजी हो गई। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने पकड़ा उसके लिए मैंने, जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया उसके लिए मैंने काफ़ी, जो भी मैं सच बोलूँ तो मैंने कार्टून नेटवर्क ज़्यादा देखा कि वो कितना फास्ट करते हैं और उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे लोग बोलते हैं बड़े हो जाते हैं तो कार्टून नेटवर्क नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ पोगो चैनल ज़रूर देखना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैंने वो बॉडी लैंग्वेज और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने कार्टून, झूठ नहीं बोलूँगी, कार्टून नेटवर्क से मैंने पकड़ा। और बिहार की खास विशेषता यह है कि वो विसंगतियों का प्रदेश है और ग्लोरियस कॉन्ट्रडिक्शन जिसे कहते हैं, एक ही जगह पर अतीत भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी है। तो आपने सही कहा, बड़ा कठिन है बिहार को एक सूत्र में बांधना। हमने ये चुनौती ली है और हम जो वर्तमान भारत बिहार है, जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बाकी सब देश के जो एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ समाहित हो रहा है, उसको हमने कैप्चर किया। मेरे लिए एक एडवांटेज यहाँ, जैसे कि हमारी लीड के लिए भी एडवांटेज है, मैं बिहार से हूँ और बिहार में भी ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी क्या कहते हैं, बड़े सीरियसली अटैच्ड हूँ, हर साल जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मेरा वहाँ जो अनुभव है वो मुझे हेल्प करता है स्क्रिप्ट को लिखने में। मैं बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से, साउथ बिहार से हूँ, भागलपुर बांका से, तो वहाँ की अंगिका की जो बोली है वो हिंदी से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाती है, तो मुझे उसका एडवांटेज है, आई हैव दैट एडवांटेज। टेलीविज़न पे शो चल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी शो उठा के देखोगे, बाप बाप है, माँ माँ है, भाई भाई है, बहन बहन है, लेकिन ये शो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो बाप है ना उसका भी एक कैरेक्टर है, माँ जो है वो भी खड़े होने के लिए माँ का भी एक कैरेक्टर बनाया राइटर ने, जो बहनें हैं उनका भी एक कैरेक्टर बनाया। तो एज ए डायरेक्टर आपके पास एक चैलेंज हो जाता है कि आपको खाली पपेट की तरह नहीं काम करना है कि आप गए एक्टर ने अपनी लाइन बोल दी और हो गई, नहीं, आपको उस कैरेक्टर में उसको घुसाना है, उस कैरेक्टर को पकड़ाना है, वो लाइनों में जो राइटर ने जो लाइनें लिखी हैं वो लाइनें आपको कैरेक्टर एक्टर से बुलवानी है। तो एज ए डायरेक्टर इस तरह का शो जो है, जो जिसको हम कहेंगे देसी शो है, इसको करने में आपके पास, आपके सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं। सर, मैं पहला एपिसोड देख रहा था, हाँ, मुझे समझा कैरेक्टर तो इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है, हाँ। लेकिन मैंने ये भी ध्यान दिया है कि बैकग्राउंड जो म्यूजिक थी,
वो बहुत अच्छा शूट करा था, उसके बारे में बताइए किस तरह से उसे आपने लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर विनय सिंह करके हैं, उन्होंने किया है। एक्चुअली हम लोग कई बार उस सेशन पे बैठे कि हमको वहाँ का जो देसीपन चाहिए था म्यूजिक में वो आए, तो कई सेशंस हुए उसके बाद वो बनाया गया। सर प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानना चाहेंगे? प्रोडक्शन हाउस के बारे में हमारे प्रोड्यूसर जो है मासूम जी ये बताएंगे। प्रोडक्शन हाउस का नाम है गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियो। तो प्रोडक्शन हाउस जो है शुरू से ही, इस प्रोडक्शन हाउस के पीछे विजन सिर्फ यही है। गाँव वाला वर्ड सिर्फ इसलिए है कि सबसे विशुद्ध चीज़ जो होती है ना वो गाँव होती है। हवा भी विशुद्ध आपको मिलता है, खाने को भी विशुद्ध मिलता है, पीने को भी विशुद्ध मिलता है, वातावरण भी विशुद्ध मिलता है। तो अगर बहुत ही रूटेड अगर एक कोई क्रिएटिव ब्रेन है और अगर वो सोचना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि गाँव वाला आप जैसे ही कहते हैं एक विशुद्धता का एक बहुत बड़ा जो है एक होराइजन आप खोल देते हैं, और गाँव वाला कहते ही अपनापन महसूस होता है। आज बाहर से नारियल की तरह सख्त और अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट और मुलायम। ये किरदार ऐसा है कि समाज में इसकी अपनी प्रतिष्ठा है, लोग इसे नकारात्मक चरित्र समझते हैं क्योंकि ये शक्ति संपन्न है, ये रंगदारी करता है, बाहुबली है, ठेकेदारी करता है, तो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, प्रचलित हैं, कुछ सही भी है कुछ गलत भी। लेकिन ये अपनी बिटिया के मामले में बड़ा ही भावुक पिता है क्योंकि इकलौती बिटिया है उसकी और उसके तकलीफों को ये सह नहीं पा रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इसकी तकलीफें दूर कर दूँ। ड्रामा वही है कि वो जो दोनों परिवारों के बीच में इस संबंध में जो मतभेद होते हैं वही असली मजा है। आप सारी बातें बता दो तो फिर इसमें आपका किरदार क्या होगा कुछ बुक के बारे में? मेरे कैरेक्टर का नाम है रुमाल और रुमाल इनकी फैमिली का बहुत ही अटूट हिस्सा है। मेरे पिताजी के जाने के बाद और हमारे मास्टर साहब ने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया और घर का इकलौता मैं मेल पुरुष सदस्य हूँ जो घर के बाहर के सारे काम करते हैं। तो बहनों में बहन बन जाता है, पापा के बीच में बेटा बन जाता है, माँ के साथ उनका लाडला बन जाता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चेंज मेरा कैरेक्टर इसमें बढ़ गया है और बस आपने देख लिया मुझे रोते हुए, इतना ही मेरा कैरेक्टर। तो ये बताइए कांदे से रो रहे थे कि या सीरियल देख कर रो रहे थे या ग्लिसरीन लगा लिया? ग्लिसरीन बिल्कुल नहीं लगाया था, थोड़ा थोड़ा प्याज वाला भी लग रहा था, उसके बाद में प्यार वाला भी जो दिखाया कि जो सीरियल देख रहे थे ना सास बहू वाला, तो थोड़ा प्यार क्योंकि पापा जी शादी कर रहे हैं ना मेरी बहुत जल्दी और विदा करने की तैयारी है। अच्छा पापा जी से जानना चाहेंगे, पापा जी ये जब किरदार आपको प्ले करना था एक वैसा पिताजी जो धन के पीछे लगा हुआ है, मेरे ख्याल से उसने अपनी बेटी के खुशी से ज़्यादा उसे धन की चिंता बिल्कुल है, तो सर उस बारे में बताइए कि उस बारे में यही है कि जो मास्टर शिवोत्तम शर्मा है वो धन को नहीं मिलने देगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हाँ बेटियों की भी केयर करता है वो, लेकिन धन थोड़ा सा पहले, और वो चाहता है कि धन से जो है ना वो अच्छे दामाद या अच्छी चीज़ें वो खरीदी जा सकती है, पैसा मतलब इतना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। नारायणी शर्मा प्ले कर रहे हैं, तो हम टीम है हमारी बच्चियों के साथ और पापा बहुत स्ट्रिक्ट है तो घर में उन्हीं की चलती है, बट हमारा एक अपना गैंग है, मतलब हम जो चाहते हैं वो डिसाइड करके उनसे करवा भी लेते हैं। छुटकी इज द मेन रक्षण करता और यू नो उनका हमेशा से वो रहा है कि शी टेक्स अ लीड एंड शी इज़ अ लीडर ऑफ द फैमिली। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें और होती है घर में, तो वी सपोर्ट ईच अदर, प्यार तो बहुत है पापा से भी और पापा का पैसा ही सब कुछ है, तो हम उस तरह से थोड़ा सा उनको मनाने की समझाने की कोशिश करते, पर पापा हमारे बिना पैसे के किसी की नहीं चलते।